दोस्तों वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की मनाही होती है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो इसे आज ही बंद कर दीजिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में भोजन से जुड़े वास्तु के नियम। जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का RKP पॉइंट चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जीवन में यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वास्तुशास्त्र में हर चीज के लिए एक खास नियम बनाया गया है। कई ऐसी चीजें हम लोग जाने अनजाने कर देते हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती है। इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। इन वास्तु दोष से परिवार के सदस्यों की आर्थिक समृद्धि, सफलता और तरक्की रुक जाती है। वास्तु में सुबह उठने के समय से लेकर खाने पीने तक के लिए भी निश्चित नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वास्तु शास्त्र में बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की मनाही होती है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें और आज ही बंद कर दें। आइए दोस्तों जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की। ये लोग अपने बेडरूम में बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करते हैं। वास्तु के अनुसार बेड पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ सेहत खराब होती है बल्कि आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाने पीने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वह उस घर में कभी नहीं आती। जिस घर में लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं वहाँ दलिद्रता का वास होता है, घर में अशांति फैलती है और घर वालों के ऊपर कर्ज बढ़ता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से धन हानि का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार हमेशा जमीन पर बैठकर पालथी मारकर आराम से भोजन करना चाहिए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खाने की थाली बैठने के स्थान से ऊपर हो। दोस्तों माना जाता है इससे धन का नुकसान नहीं होता। वास्तु के अनुसार भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। किचन में झूठे बर्तनों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसे माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। हमेशा रात में ही बर्तनों को धो लेना चाहिए, इससे धन की हानि नहीं होती। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपको इस चैनल पर इस तरीके की जानकारियां मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।